टीम इंडिया जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला ही टी20 हार गई और ऐसे में शुभमन गिल को ये करारी और शर्मनाक हार जो है जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा और उनकी टीम ने थमाई है। अब ऐसे में अगर देखें तो टीम इंडिया कहाँ ये मुकाबला हारी ये बात करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीम इंडिया इतना अच्छा गेंदबाजी प्रदर्शन टीम इंडिया ने किया, लेकिन क्या वो वजह रही जो टीम इंडिया की हार की सबसे बड़ी वजह बन गई। देखिए, टीम इंडिया ने काफ़ी कमाल की गेंदबाजी की, रवि बिश्नोई ने 4 विकेट चटकाए, इसके अलावा कई गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, मुकेश कुमार हो चाहे आवेश खान हो, खलील अहमद ने भी अच्छी गेंदबाजी कराई, लेकिन टीम इंडिया जब बल्लेबाजी करने आई तो पहले ही पावर प्ले में अगर देखा जाए तो वहाँ पर बड़े विकेट चटकाए और 4 विकेट पावर प्ले के अंदर टीम इंडिया के चटका दिए गए, और कहीं ना कहीं अगर देखें तो वहाँ से टीम इंडिया बैकफुट पर आ गई और ये गेम चेंजिंग पावर प्ले था टीम इंडिया के लिए, और कहीं ना कहीं अगर देखें तो इस पावर प्ले की वजह से टीम इंडिया मुकाबला हारी है, क्योंकि अभिषेक शर्मा इस में आउट हुए, इसके अलावा देखें तो कई अन्य बल्लेबाज आउट हुए, ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, चाहे रियान पराग, रिंकू सिंह भी आउट हुए, तो ये तमाम खिलाड़ी जो हैं पावर प्ले में ही आउट हो गए। उसके बाद दूसरा झटका टीम इंडिया को तब लगा जब एक साझेदारी के दौरान शुभमन गिल भी आउट हो गया, और शुभमन गिल के आउट होते ही टीम इंडिया की सारी उम्मीदें समाप्त हो गई, और इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने जरूर टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर को ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, और ऐसे में अगर देखा जाए तो वॉशिंगटन सुंदर जो हैं वो आखिरी ओवर में आउट हो गए। आखिरी ओवर में 16 रन जब चाहिए थे तो 16 रन टीम इंडिया बना नहीं सकी, और उन रनों के दबाव में जो है टीम इंडिया अपने विकेट्स खोती गई और अंत में ऑल आउट ही हो गई। तो चतारा और सिकंदर राजा ने काफ़ी कमाल की गेंदबाजी की, और उनकी कमाल की गेंदबाजी की वजह से जिम्बाब्वे की टीम ने ये मुकाबला जीत लिया और 13 रनों से ये मुकाबला जीता है। अब देखना होगा टीम इंडिया अगले मुकाबले में किन चेंजेस के साथ आती है, और अगर चेंज नहीं करती तो किस रणनीति के साथ आती है, और अगला मुकाबला किस तरीके से खेलेगी, ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।